दोस्तों रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से सबसे पहले आपसे माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि ये जो वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूं उसे मैंने सोच रखा था कि मैं 5 तारीख को से अपलोड करूंगा, क्योंकि 5 तारीख को शनिदेव वक्री हो गए हैं। लेकिन घर में कुछ ऐसे काम थे, मेरे अपने कुछ ऐसे काम थे जिसके वजह से मैं ये अपलोड नहीं कर पाया और इसीलिए आज इसे अपलोड कर रहा हूं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर एक लग्न पे और हर एक राशि पे ये जो ग्रह वक्री हुए हैं शनिदेव 5 तारीख को, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। लेकिन इसे जानने से पहले हमें ये भी समझना होगा कि शनिदेव, जिसे हम हमेशा एक न्यायाधीश के हिसाब से देखते हैं, इसे हम एक टास्क मास्टर कहते हैं, ये जो भी हमसे ज़िंदगी में करवाते हैं, एक उनका तो दिया हुआ अनुभव है, वो आपको एक सीख देता है, मैच्योरिटी देता है। शनिदेव या कोई भी ग्रह जब भी वक्री होते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि वो और ज़्यादा ताकतवर, स्ट्रॉन्ग और धरती के करीब आ गए हैं, इसीलिए हम उसे वक्री कहते हैं। अब इसका परिणाम अच्छा या बुरा निर्भर करेगा कि आपके अपने जो काम हैं, आपने जो भी किया है ज़िंदगी में, वो अच्छा किया है या बुरा किया है, जैसे हम कहते हैं कर्मों का, क्योंकि कर्मों के ये कारक है। आप अचानक से महसूस करोगे जब तक के शनिदेव वक्री रहेंगे कि आपकी हर चीज़ों में, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी नौकरी हो, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, उसमें एक स्लोडाउन आ गया है। लेकिन इस स्लोडाउन को आप ये मत समझिएगा कि चीज़ें रुक सी गई हैं, जी नहीं, वो आपसे कह रहे हैं जो भी करना है धीरे से, आराम से, सोच समझ के करना है। इस बात को भी समझ लीजिएगा कि शनिदेव के बारे में ये कहा जाता है कि वो देर ज़रूर करते हैं लेकिन उनके इसमें अंधेर नहीं है, वो आपको आपके जो भी कर्म है उनके मुताबिक आपको फल ज़रूर देंगे। अब बात आती है कि इस ये प्रभाव भिन्न भिन्न लग्न पे या भिन्न राशियों पे किस तरह का पड़ेगा, उसी को हम ज़रा आकलन करते हैं और उसी को समझने के लिए हम शुरू करते हैं मेष राशि से। अब ये मेष आपकी चंद्र राशि है या लग्न राशि है, दोनों से ही आपको देखना होगा, यानी कि आपकी आपका जो लग्न है उसे भी दिमाग में रखिएगा, आपका जो चंद्र राशि है उसे भी दिमाग में रखिएगा और उसको मिला करके आप इसके परिणाम देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली राशि जो है वो है मेष। मेष राशि के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि जो भी लग्न हो जिसके बारे में बात करूंगा मैं, इसका प्रभाव 12 जुलाई तक रहेगा, क्योंकि 12 जुलाई तक ये जो शनिदेव हैं ये कुंभ राशि में रहेंगे, उसके बाद मकर राशि में आएंगे, तो परिस्थितियां बदल सकती हैं। तो मेष राशि वालों के लिए करियर को लेकर के बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक अच्छा टाइम है अगर आप जॉब चेंज करना चाहें। लेकिन जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मेरा अपना अनुभव ये है कि जब भी शनिदेव वक्री होते हैं उस वक्त आपको अपना जॉब चेंज नहीं करना चाहिए। आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग जो है वो अगर 23 अक्टूबर के बाद हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और अगर ऐसा नहीं हो सका तो उसकी कोई उपाय है, उसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं मुझे। अब ये एक अच्छा समय है मेष राशि वालों के लिए, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस में, प्रोफेशन में ग्रोथ देख पा रहा हूँ मैं। हाँ, इतनी ज़रूर बात है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो प्रेमी प्रेमिका के साथ में जो कुछ मतभेद होने की संभावना है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी देरी हो सकती है, कहीं कहीं पे आपके काम अटक सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हो और आप पढ़ाई के लिए भी अगर विदेश जाना चाहते हो तो वहाँ पर भी आपके डॉक्यूमेंट्स को लेके, इसको लेके कुछ दिक्कतें आ सकती है और वो आपको थोड़ा बहुत डीले कर सकती है। शनिदेव खाली डीले करेंगे, डिनायल तो नहीं है, इतना तो याद रखिएगा। अगली राशि जो है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए आपके 9वें घर के और 10वें घर के स्वामी होकर के शनिदेव आपके 10वें घर में वक्री हो रहे हैं और वहाँ से वो 12वें घर को देख रहे हैं, 4थे घर को देख रहे हैं और 7वें घर को देख रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आप देखोगे कि आपको एक
अच्छी खबर मिल रही है करियर को लेकर के, कहीं से ऐसा आपको मैसेज आ सकता है कि आपका कोई जॉब लग गया, जॉब चेंज करना चाहते हैं, आपके लिए समय अच्छा है, लेकिन 23 अक्टूबर तक के बाद ही ज्वाइन कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। आपको आपके नसीब का, भाग्य का पूरा साथ मिल रहा है। शादीशुदा हैं तो उसमें थोड़े बहुत मतभेद होने की संभावना अपने जीवन साथी के साथ में है। वहीं पर अगर आपका बिजनेस, आप बिजनेस करते हैं और साथ में बिजनेस में कोई पार्टनर हैं तो पार्टनर के साथ में भी थोड़ा मतभेद होने की संभावना है। जमीन को, लैंड को, प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई मतभेद चल रहे हैं तो वहां पर थोड़ा बहुत आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे थोड़े बहुत मतभेद होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। अगली राशि जो है वो है मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए आपके आठवें घर के और नौवें घर के स्वामी होकर के नौवें घर में ही, भाग्य स्थान में ही शनिदेव वक्री हो रहे हैं। वहां से वो आपके ग्यारहवें घर को देख रहे हैं, तीसरे घर को देख रहे हैं और छठे घर को देख रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं देख पा रहा हूं कि नसीब का, भाग्य का आपको पूरा साथ मिल रहा है। आपको बस अपनी सेहत का ज़रा ख्याल रखना है। थोड़े बहुत मतभेद आपके छोटे भाई बहन के साथ में होने की संभावना है। किसी भी प्रकार की यात्रा, छोटी बड़ी जो भी हो, उसको टालने की कोशिश करना, यात्राओं के लिए सही समय नहीं है। अगर आप एक विद्यार्थी हो, पढ़ाई करते हो, तो आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको फल मिलेगा और उस और आपका जो लक्ष्य है, आपका जो ध्यान है, और आपको शनिदेव पूरी हिम्मत दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो उसका उपयोग जरूर कीजिएगा। अगली राशि जो है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए आपके सातवें घर के और आठवें घर के स्वामी होकर के शनिदेव आठवें घर में ही वक्री हो रहे हैं। आठवें घर से वो आपके दसवें घर को देख रहे हैं, दूसरे घर को देख रहे हैं और पंचम स्थान को देख रहे हैं, पाँचवें घर को देख रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जो मैं देख पा रहा हूँ कि आठवें घर में शनिदेव के वक्री होने से कुछ बीमारियां जो छुपी हुई थी वो थोड़ी सी निकल के आ सकती है सामने। जहां पर आप काम करते हो वहां पर थोड़े बहुत वो कहते हैं ना, पॉलिटिक्स होने की संभावना है। रोमांटिक पार्टनर जो है, किससे प्यार करते हैं आप, तो वहां पर थोड़े बहुत मतभेद होने की भी संभावना है। एक्सीडेंट के चांसेस बन रहे हैं। यहां पर आपको गाड़ी बहुत संभाल के चलानी है। वहीं पर मैं अगर देख रहा हूँ कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, खास करके जो मैरिड लाइफ है, वो थोड़ी सी उसमें सुधार हो रहा है। शनिदेव का आठवें घर में होने से आपके जितने भी शत्रु हैं उनका नाश हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि अपनी सेहत का ज़रा ख्याल रखिएगा। आठवां घर सेहत को लेकर के बता रहा है कि सेहत में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव दिखते हैं। अगली राशि जो है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए आपके जो छठे घर हैं और सातवें घर के मालिक होकर के शनिदेव सातवें घर में ही बकरी हो रहे हैं। अब सातवें घर से वो भाग्य स्थान को देखेंगे, यानी कि नौवें घर को देखेंगे। वहीं पर भी वो आपके लग्न को देखेंगे, यानी कि आपके पहले घर को देखेंगे और चौथे घर को भी देखेंगे। ऐसी परिस्थिति में आप देखोगे कुछ शादीशुदा जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी आने की संभावना है। वहीं पर जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको आपका भाग्य उसमें साथ दे रहा है। अगर आप बिजनेस करते हैं, आपको कोई बिजनेस है, कारोबार है, वो कर रहे हो, तो उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि आप काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे और अचानक से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। दिया हुआ पैसा शायद लौट के नहीं आएगा, तो सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। अगली राशि जो है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए पांचवें घर के और छठे घर के स्वामी होकर के शनिदेव छठे घर में बकरी हो रहे हैं। कोई भी ग्रह, खास करके पापी ग्रह, तीसरे घर में, छठे घर में, ग्यारहवें घर में प्रभाव अच्छा ही देते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत समस्याएं भी हो सकती है। चलो देखते हैं, कोई एक बीमारी, पुरानी बीमारी है, वो थोड़ा सा उभर करके आपको परेशान कर सकती है। छठे घर से शनिदेव आठवें घर को भी देखेंगे, वहाँ से वो बारहवें घर को भी देखेंगे और तीसरे घर पर भी दृष्टि पड़ेगी। ऐसे में आपको फायदा दिख रहा है मुझे, खास करके अगर आप शेयर मार्केट में या ऐसे किसी जगह पे आप थोड़ा पैसा निवेश कर रहे हैं, तो
ये एक बहुत अच्छा समय है आपके, जहां पर आप काम करते हो, आपका जो कार्य क्षेत्र है वहां पर आपके लिए काफी सपोर्ट मिल सकता है। आपको आपके छोटे भाई बहनों का भी सपोर्ट मिल रहा है, वो आपके सामने मतलब हेल्प करेंगे आपको को, और दोनों ही परिस्थितियां हैं, या तो सपोर्ट आपको मिलेगा या उन्हीं के साथ में आपका आपके मतभेद भी होने की संभावना है। अब ऐसे में मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि एक्सीडेंट या तो चोट लगना, इसकी संभावना दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जो जो दृष्टियां पड़ रही है शनिदेव की, वो बता रही है कि चांसेस हैं कि एक्सीडेंट होने की संभावना है या तो चोट लगने की संभावना है। वहीं पर मैं देख पा रहा हूं कि आपको पेट को लेकर के, हाजमे को लेकर के थोड़ी परेशानी आ सकती है, और थोड़ी बहुत परेशानी आपको आपके सीने में, चेस्ट में, लंग्स में भी आने की संभावना है, इसका जरा ख्याल रखिएगा। अगर आपके पूर्वजों की कोई प्रॉपर्टी या पूर्वजों से कोई पैसा, इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं, वहाँ से अगर उम्मीद है आने की, तो ये बहुत अच्छा समय है, आपको इनहेरिटेंस से पैसा मिल सकता है। अगली राशि जो है वो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए आपके चौथे और पांचवें घर के स्वामी होते हैं शनिदेव, और इसीलिए इन्हें तुला राशि के लिए कहा जाता है योग कारक ग्रह। चौथे घर में, पांचवें घर में इनका बकरी होना, और पांचवें घर से वो देख रहे हैं आपके सातवें घर को, ग्यारहवें घर को और आपके दूसरे घर को। ऐसे में अगर आप एक विद्यार्थी हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका मन भटक सकता है, गलत संगत हो सकती है, उसमें आपको ध्यान रखना होगा। आप किसी से प्यार करते हो, रोमांस करते हो, आपका कोई लवर है, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना भी बनी हुई है। भाई बहनों के साथ में, मैं ग्यारहवें घर की बात कर रहा हूं, तो ज्यादातर अधिकतर बड़े भाई या बड़े बहन के साथ में थोड़े बहुत मतभेद होने की संभावना बनी हुई है। हो सकता है किसी दोस्त के साथ में भी सोशल सर्कल में मतभेद हो सकते हैं। परिवार में जो कहते हैं ना, जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो थोड़ा बहुत ऐसा रहेगा कि जिसके वजह से आपको थोड़ी बहुत परेशानी आएंगी। आपकी माँ की सेहत का ख्याल रखिएगा, माँ की सेहत थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, ऐसी परिस्थिति में जरा आपको ध्यान रखना होगा उनका। अगली राशि जो है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए आपके तीसरे घर के और चौथे घर के स्वामी होकर के चौथे घर में ही शनिदेव बकरी होने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि चौथे घर से वो छठे घर को देख रहे हैं, दसवें घर को देख रहे हैं और आपके लग्न को देख रहे हैं। आपके संबंध आपकी माँ के साथ में थोड़े बिगड़ सकते हैं, किसी बात में कहासुनी हो सकती है। प्रॉपर्टी को लेकर के, लैंड को लेकर के कोई डिस्प्यूट या कोई मतभेद, उसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है। अगर मैं बोलूं प्रोफेशन या कार्य क्षेत्र या आपका जो करियर है, उसमें आपको एक अच्छी खबर मिल सकती है। हो सकता है कि नया जॉब, प्रमोशन, इंक्रीमेंट होने के चांसेस हैं। ये एक बहुत अच्छा पीरियड है उन लोगों के लिए जो अपना खुद का व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपकी उसमें बढ़ोतरी दिख रही है। शादीशुदा जीवन में, हाँ, मैं देख पा रहा हूँ कि थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद होने के बावजूद भी आप देखोगे कि आप आपस में बैठ कर के इन चीज़ों को, इन मसलों को आप सॉल्व भी कर लोगे, तो परिस्थितियां आपके हाथ से निकलेंगी नहीं, आप उसे संभाल लोगे। अगली जो राशि है वो है धनु राशि। अब धनु राशि वालों के लिए आपको इतना बता दूं कि बस आप साढ़े सती से बाहर निकलने की बिल्कुल कगार पे बैठे हुए हैं। शनिदेव आपके दूसरे घर के और आपके तीसरे घर के स्वामी हैं, और तीसरे घर में ही वो वक्री हो रहे हैं, वहाँ से वो आपके पाँचवें घर को, नौवें घर को और बारहवें घर को देख रहे हैं। आपको आपके छोटे भाई बहनों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत परिवार में
कहा सुनी होने की संभावना है। आपको आपका नसीब यानी कि नौवां घर पूरी तरह से सपोर्ट करेगा, यानी कि भाग्य आपका साथ दे रहा है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, परीक्षा पास कर चुके हो और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपेयरिंग तैयारी कर रहे हो और उसके लिए कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी होते हैं, उसको आप आराम से क्लियर कर लोगे। आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में बढ़ोतरी होगी, अच्छा समय है आपके लिए। अगली जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आपके पहले घर के दूसरे घर के स्वामी होकर के दूसरे घर में ही वो वक्री हो रहे हैं। दूसरे घर से वो आपके पांचवें घर को देखेंगे, आठवें घर को देखेंगे और आपके ग्यारहवें घर को देखेंगे। ऐसी परिस्थिति में आप देखोगे कि ये आपके परिवार को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे। चौथा घर है फैमिली में, परिवार में कहासुनी, आर्ग्यूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग की संभावना है। लेकिन वहीं पर मैं देख पा रहा हूँ कि आपके ऐशो आराम में, कंफर्ट जिसको कहते हैं, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपके कुछ, अगर आप कुछ बीमारियों से आप परेशान थे तो बीमारियों से भी आपको थोड़ी निजात मिल रही है, बीमारियां भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। अगर किसी से आप प्यार करते हो तो वहां पे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना है। लेकिन साथ साथ में एक बात और भी अच्छी है कि अगर आप अपने प्यार को अपने परिवार से मिलाना चाहते हो, और आप मिलाते क्यों हो, क्योंकि आप चाहते हो कि अब ये प्यार आपका जीवन साथी बने, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। आप अपने प्यार को अपने फैमिली से मिला सकते हो। अगली राशि जो है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए आपके बारहवें घर के और आपके पहले घर के लग्न के स्वामी होकर के लग्न में ही वो वक्री हो रहे हैं। वहाँ से वो आपके तीसरे घर को, सातवें घर को और दसवें घर को देख रहे हैं। ऐसे में थोड़ा बहुत लग्न में अगर वक्री हो रहे शनिदेव तो आपको मानसिक थोड़ी परेशानियाँ आ सकती है। लेकिन इन परेशानियों के बावजूद भी आप इस सिचुएशन से, इस परिस्थिति से बहुत आराम से निकल के बाहर आओगे। वहीं पर अगर आप शादीशुदा हो तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ की कमी आपको महसूस होगी। ऐसे में आपके जीवन साथी का साथ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा और आपको सपोर्ट भी मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत अच्छी, बहुत अच्छा समय है आपके लिए कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं खास करके, वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट करें, करेंगे भी। ये अच्छी, ये जो शनिदेव का जो वक्री होना है ये बताता है कि आपके करियर के लिए ये आपको बहुत फ़ायदा दिला सकता है। शनिदेव की दृष्टि दसवें घर में पड़ रही है। अगर आप एक विद्यार्थी हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके एग्जामिनेशन में, आपकी परीक्षा में आपका जो जो नतीजा आएगा वो काफ़ी आपको अच्छा खुश करेगा। अब बात करते हैं सबसे आखिरी राशि की, जिसे मीन राशि कहते हैं। मीन राशि वालों के लिए आपके ग्यारहवें घर के और बारहवें घर के स्वामी होकर के शनिदेव बारहवें घर में ही वक्री हो रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि बारहवें घर से वो आपके दूसरे घर को देख रहे हैं, छठे घर को देख रहे हैं और भाग्यस्थान को देख रहे हैं। सबसे पहले अपने खर्चे को कंट्रोल कीजिए, वरना परिस्थितियां हाथ से निकल सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकता है। खर्चा बचाना है आपको, खर्चा कम करना है। शनिदेव छठे घर को जब देखते हैं तो हेल्थ को लेकर के भी थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, और अगर आती है तो तुरंत अपनी फैमिली डॉक्टर को या डॉक्टर को आप कंसल्ट जरूर कीजिएगा। कारोबारी लोग जो हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको पैसों की थोड़ी बहुत कमी महसूस होगी और इसीलिए आप लोन लेने का भी सोचोगे, ले भी सकते हो। आपको अपने दुश्मनों पे नज़र रखनी होगी, दुश्मन आपके पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। पैसों को मैं फिर से एक बार बता दूं, अपने कंट्रोल में रखिएगा। अगर कंट्रोल में नहीं रखोगे, ज़्यादा खर्चा कर लोगे तो आपको समस्या आ सकती है। तो ये था मेरा विश्लेषण 12 के 12 लग्न पे और 12 की 12 राशियों पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल के जो वो जो घंटी बजी है उस पर एक क्लिक कीजिएगा, और मेरे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे।